हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर अदर व्लाग एंड माई लाइफ कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और जनाब आज है जी पार्ट टू दावत के ब्लॉग का इसमें मैं आपको दिखाऊंगी जी कंप्लीट मेन्यू हमारी प्रेजेंटेशन और फिर हम लोग डिजर्ट्स वगैरह सब कुछ आपको दिखाती हूँ लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे बना के रख दिए थे सैलड्स एंड हमने बनानी है दही फुल्कियाँ उसका सारा मैंने मिक्सचर और उसकी तैयारी करके मैंने रख के दे दी है आप देख रहे होंगे सैलेड के ऊपर मैंने अनार डाला हुआ है तो सैलेड पर अगर आप कभी अनार ऐड करें मिक्स सैलड में तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का बनता है मैं और नवीद जब भी कभी सोचते हैं ना डाइट पर जाने का तो हम लोग क्या करते हैं सैलड के अंदर थोड़ा सा स्वीट टच देने के लिए हम कोई भी फ्रूट की कोई चीज़ ऐड करते हैं उसमें अनार हमारी प्रेफरेंस होती है लेकिन अनार चूँकि पूरा साल मिलता नहीं है और मुझे फ्रोजन अनार इतने अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी फ्रूट आपको मिलता है वो आप आराम से अपने सैलेड में ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग डाइट पे जाना चाह रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग आ, अपना वेट लूज़ करें तो तो जनाब वो तो होगी सैलड की बात इधर मैंने रख दी है हमने बनाना है यखनी पुलाव बीफ का यखनी पुलाव मैं बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने यखनी बनने के लिए रख दी है उसके इंग्रीडियंट्स वगैरह डाल दिए हैं टाइमर की बात अगर देखें तो अगर आपने यखनी पुलाव बनाना है आपको पता है पुलाव में आपका मीट बहुत ज़्यादा पकता नहीं है तो इसलिए मैं इसको फुली कुक करूँगी लाइक फुली मुझे बॉयल चाहिए मीट जितना मुझे अच्छा लगता है हमारे घर में थोड़ा सॉफ्ट मीट खाया जाता है कुछ घरों में कम खाया जाता है तो मैं इसको ट्वेंटी फाइव मिनट दे रही हूँ आप चाहें तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स का इन बिटवीन कहीं भी दे सकते हैं ये आपके घर पे डिपेंड करता है कि आपके घर में मीट कितना टेंडर खाया जाता है साथ में हम लोग बना रहे थे दूसरे जो इंस्टेंट पॉट में हमारी बन रही थी जी हलीम और इधर हम लोग बना रहे हैं पुलाव को हम लोगों ने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि पुलाव को मैं एंड पे उसका दूंगी लास्ट टच लेकिन उसकी जो सारी प्रेपरेशन है मैं वो पहले से कर दूंगी इधर हमारी जो हमने निहारी बनाई थी उसको मैंने क्योंकि मुझे दोनों इंस्टेंट पॉट चाहिए थे तो मैंने वो निहारी की जो है वो जो मैंने निहारी आपने इंस्टेंट पॉट से इस पॉट में ट्रांसफ़र कर दी थी तो अब मैं इसको थिक करूँगी और आपको पता है क्योंकि ये जो थिकनेस होती है नहारी की या जो जो पुलाव को आपने दम लगाना होता है एंड पे या जो आप ये हलीम बनाते हैं इसका जो तड़का होता है ये सारी मैं बिल्कुल आखिरी टाइम पे करती हूँ ये मैं बहुत जल्दी चीज़ें नहीं करती हूँ क्योंकि इनके साथ आपके फूड की शक्ल का और ज़ायक़े का फ़र्क पड़ता है तो ये देख सकते हैं मैंने हलीम बनाया हलीम आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा रनी है और इसको रनी रखने के भी कुछ रीजंस हैं वो रीज़न्स क्या हैं कि क्योंकि मैंने अभी इसको लगा देना है दम पे चार से पाँच घंटे के लिए तो ये इतना थिक हो जाएगा इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना था अब जनाब देख लें हम वापस आए हैं आप बच चुके हैं तकरीबन सवा चार और मैं आपको दिखा दूँ हमारी प्रेपरेशन के जो स्टेप्स चल रहे हैं आपको दिखा देती हूँ मैंने यहाँ पे रनर्स वगैरह रख दी हैं लेकिन अभी गंदे बर्तन आपको क्योंकि जैसे जैसे मैं चीज़ें पॉट्स में डालती हूँ वैसे वैसे मैंने वो बर्तन धोने भी होते हैं तो इसीलिए आपको सिंक में वो नज़र आ रहा है लेकिन इधर आप देखें सैलड्स वग़ैरह चीज़ें वगैरह सब आपको नजर आ रही हैं गेस्ट ने आना है छः बजे और मैंने सैलड्स ऑलरेडी बाहर निकाल के रख दिए हैं इधर फ़िश जो है वो बेक हो रही है पुलाव दम पे लग चुका है और अभी वो नान का मिक्सचर पड़ा है अभी मुझे नान बनाने और नान बनाने में तकरीबन एक घंटा लगता है तो इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी से नान बना के मैं इनको इसके इसको हॉट पॉट में रख दूँगी ताकि नान हमारे अच्छे सॉफ्ट भी रह जाएँ और देखें नान का आटा जो है वो अभी बहुत कम्प्लीटली राइज़ नहीं हुआ क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और मैं आज इतने कामों में मसरूफ़ थी कि मैंने आटा थोड़ा लेट गूँधा था इसका लेकिन नॉर्मली इसको चार पाँच घंटे तो मिनिमम चाहिए होते हैं आटे को सही कंडीशन में लेके आने के लिए साथ में ये ऊपर की जो प्रेपरेशन होती है शेल्फ की वो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि फिर आपको स्टेप बाई स्टेप इतने ज़्यादा काम होते हैं दावत वाले दिन अभी मैंने घर को भी क्लीन कर लिया घर माशाला साफ़ सुथरा वो कहते हैं ना स्पॉटलेस हो गया घर खुद भी मैंने शॉवर ले लिया था बच्चे तो ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे मैंने बच्चों को देखा नहीं तो अभी जनाब अभी आपको अगर मैं टाइम दिखा दूँ तो अभी मैं ऊपर गई थी मैंने नान बनाए नान बनाने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए सिक्स फिफ्टीन हो गए हैं और गेस्ट मैंने अपने कैमरा में देख लिया था कि उनकी गाड़ी आ चुकी है बाहर तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैंने फूड को कैसे रखा हुआ है अभी तक लेकिन जब गेस्ट आते हैं ना आज मैंने बफे सर्वर में जब मेरे पास बफ़े सर्वर होते हैं तो तो मैं खाना पहले ही उसमें डाल देती हूँ क्योंकि वो खाना गर्म रहता है लेकिन अभी चूंकि मैं बफे सर्वर आज मैंने नहीं करना है यूज़ तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया मैंने सारे सो सालन हैं ना सारे खाने वो मैंने डोंगों में डाले पॉट्स में डाले और उनको डिशेज़ में डालने के बाद मैंने उसको ओवन में रख दिया ओवन को मैंने प्री हीट किया हुआ था तो ओवन गर्म है इस वक्त मेरा खाना इतना फ्रेश है जैसे आप कह लें कि अब भी मैंने उसको बनाया हो तो फाइनली जी इवेंजुअली आप देख सकते हैं जी फाइनल लुक और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या आज बनाया है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं सैलड्स एंड रायता चटनीों से करते हैं ये बनी है जी दही फुल्कियाँ मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी सात अचारी प्याज हैं उसके साथ मैंने बनाया है जी ये पूरा का पूरा नारी एन हलीम के सामान है जो भी चीज़ें उनमें डलती हैं वो सारी इकट्ठी हैं और साथ हमने बनाया जी मिक्स बीन सैलड्स जिसमें हमने अनार भी डाले हैं उसके साथ हमने बनाया जी अचारी कीमा अचारी कीमा की शक्ल देखे कितनी मज़ेदार लग रही है साथ हमने बनाई है जी ढाबा कढ़ाई और मैंने बेब्रस को बोला इन दोनों के मुझे धनिया डाल दो मुझे धनिया डालने याद नहीं रहे थे गार्निशिंग के लिए और आगे आ जाएँ तो हमने बनाया जी हलीम मैंने कहा हलीम पर मत डालना <laughs> मुझे कहती अम्मा किस किस पर डालूँ मैंने कहा सिर्फ़ और सिर्फ कढ़ाही पर डाल दो और साथ में तुम तो इसे कीमे पर डाल दो तो बस अभी हम लोग उसके बाद है जी हमारी हलीम जो हमने हलीम बनाया था वो मैंने डबल क्वांटिटी में बनाया हाफ ये पढ़ा हाफ़ मैंने फ्रिज में डाल दिया क्योंकि हलीम आपको पता है ज़्यादा देर बाहर पड़ा रहे तो ख़राब हो जाता है उसके साथ हमने बनाए थे जी लाहौरी चने और लाहौरी चने भी क्योंकि माशाल्लाह लोग ज़्यादा थे तो मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है हली मैंने निहारी की हाफ क्वांटिटी यहाँ पड़ी है निहारी की हाफ क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है अगर वो चाहिए होगी तो वो भी डाल लेंगे साथ हमारे पास है जी होल फिश हमने जो बेक की है और उसके साथ हमने बनाया था जी आ, जो यखनी पंजाबी यखनी पुलाव हमने बनाया है उसके साथ ये नान पड़े हैं साथ कोल्ड ड्रिंक्स हैं पानी है उनके बच्चे आ रहे हैं तो साथ मैंने कुछ जूसेज़ वग़ैरह रख दिए हैं तो ये है हमारा आज का पूरा का पूरा मेन्यू माशाल्लाह माशाल्लाह सात आठ चीज़ें मैंने इधर बनाई थी और साथ डिज़र्ट बनाए थे तो टोटल और सैलेड रायते सब बनाते बनाते तकरीबन तो तेरह से चौदह चीजें हो गई थी टोटल जब मैंने बनाई हैं और आप बिलीव करें कि सब लोगों को इतना खाना पसंद आया सब लोग मुझे कहते कि आज लाइक ये पहली दफ़ा नहीं थी हमारे बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं जो हमारे घर आए हुए थे तो वो कह रहे थे कि हमेशा ही खाना अच्छा होता लेकिन आज बहुत ही अच्छा बना हुआ था तो जब लोग तारीफ करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत वसूल होगी और जब लोग खाना खाते हैं लाइक अगर आपका खाना बहुत ज्यादा बच जाता है ना फिर आपका मूड खराब भी होता है अल्लाह इतना खाना बच गया तो माशाला सब लोगों ने खाया और अच्छे तरीके से खाया और सबने इंजॉय किया अब आते है जी डिज़र्ट की बारी तो ये आपके सामने कल मैंने डिजर्ट बनाया था तो आप देखिए इसकी शक्ल कितनी मज़े की लग रही है इतनी जबरदस्त लग रही है वो वाला डिजर्ट है और इसके साथ मैंने एक बनाया था नट्स का हलवा और जिसकी कुछ क्लिप्स मेरे पास थे और कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किए तो मैंने वो भी नहीं लगाए क्योंकि वो इन बिटवीन के थे तो ये मैंने बनाया था नट्स का हलवा है और साथ में था जी दूसरा डिजर्ट ये था हमारे टोटल डिजर्ट और आप बिलीव करें कि जो नट्स का हलवा मैंने बनाया था वो इतना लाइक आप कह लें कि थोड़ा सा बचा होगा लाइक एक बोल बचा बाकी सब खत्म हो गया था लेकिन दूसरा डिजल्ट काफ़ी बच गया था तो ये होता है कि कभी कभी आप जब बहुत लाइक मीठे भी दो एक बना लेते हैं दो तीन बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ ज़्यादा खाया जाता है कुछ बच जाता है तो ये मीठा बच गया था और हमारे घर में आपको पता है मीठा ज़्यादा खाया नहीं जाता तो मुझे मीठे में सिर्फ यही टेंशन होती है कि अब मैं करूँ क्या इधर आप देख लें साथ में ये सारा मेस भी आपको दिखा रही हूँ इधर मैंने साथ में चढ़ा दिया जी चाय सब लोग खाने के बाद यहाँ पे चाय पीते हैं तो मैंने सोचा कि साथ साथ में जब वहाँ पे सब लोग गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और तो ज़्यादा फैमिली जब अब बुलाते हैं ना तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि सब आपस में गप्पे लगाते हो अगर आपको थोड़ा बहुत काम करना होता है तो वो आप कर लेते हैं तो मैंने सारा खाना उस शेल्फ से उठा के इधर रख दिया था अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं साथ ही डिश वॉशरूम में बर्तन लगाने लगी हूँ ताकि ये जो सिंक भरे बड़े हैं ना ये खाली हो जाए क्योंकि आपको पता है कि फिर मुझे वो अजीब सी उलझन हो रही होती है तो जनाब अब ये है जी आ, अगली मॉर्निंग का टाइम है जब मैं सुबह सो के उठी मैंने एक डिश वॉशर चलाया तो मैं आपको दिखाऊं मैंने ऐसे ही चीज़ें रख दी थी मैंने कुछ भी नहीं रखा था सारा कुछ सामान मैंने ऐसे ही छोड़ा और मैं सो गई थी क्योंकि रात को माशाल्लाह मेहमान गए थे बारह एक बजे के करीब और मैं इतनी थक गई थी इतनी थक गई थी कि बस मेरा मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं काम को मैंने क्या किया मैंने सिर्फ खाना रात को समेटा था एक डिश वॉशर मैंने चला दिया था और दैट सेट फिर मैं सो गई थी अब मैं सुबह सो के उठी हूँ क्योंकि वीकेंड भी है तो मुझे ये सुकून था कि चलो आराम से उठूँगी सारे करूँगे देखे नान भी माशा सब खत्म हो गए थे सिर्फ एक या दो पीसेस बचे थे और यहाँ पर राइस पड़े होंगे मेरा ख्याल है राइस को मैंने रात में निकाला नहीं था मुझे याद नहीं रही राइस निकालने तो ये राइस अभी पड़े हैं ये सिर्फ राइस बचे थे बाकी राइस भी खत्म हो गए डिश वॉश मैंने सुबह सुबह खाली किया है अभी मैं करने लगी हूँ जी क्लीनिंग और ये क्लीनिंग भी बहुत मुश्किल होती है मैं कहती हूँ गेस्ट के आने से पहले भी क्लीनिंग हो गेस्ट के जाने के बाद भी क्लीनिंग तो ये जो क्लीनिंग का जो मरला होता है ना ये बड़ा टफ़ होता है इधर ये देखें अभी जो रात को निहारी और नान के जो लवाजमत थे वो बचे हुए पड़े थे अब इनको अलग अलग बैग्स में डाल के रखूँगी साथ साथ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ अभी देखें ये सारे जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने धो दिए मैंने हाथ पे धोए हैं क्योंकि इतनी बड़ी डिशिज़ हैं उनको आप धो तो नहीं सकते तो आप साथ साथ इनको धो के इनको ड्राई कर रही हूँ जैसे ड्राई हो जाएंगे इनको इनकी प्रॉपर जगह पर रखते जाएंगे क्योंकि ये जो क्लिनिंग होती है ना ये बड़ी मुश्किल होती है और माशाला माशा इतनी चीज़ें बनाई हुई थी इतने खाने थे कि उनके तो वो जो है ना जो आप जो उनका बोल सेट्स होते हैं जो ढोंगे होते हैं उनको धोते धोते ही आपको इतना टाइम लग जाता है तो बस साथ ये काम भी चल रहे हैं साथ साथ मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ तो माशाल्लाह दावत इतनी अच्छी रही इतना मज़ा आया काफ़ी दिनों के बाद दावत की थी मैंने और इन बिटवीन मैं कहीं गई भी नहीं दावत खाने के लिए तो मुझे तो कल बड़ा ही मज़ा आया हमने बड़ा इन्जॉय किया अभी आप देखें तो सारी क्लीनिंग हो चुकी है बस जो फाइनल टचिंग होती है वो करनी है जो कि होती हैं जी ये वाले जिनको मैं शेल्फ वगैरह क्लीन करती हूँ ये वाटर बॉटल यहाँ पर रखी क्योंकि ये जाती हैं बेसमेंट में तो इनको मैंने बच्चों को बोलना है कि जाओ आप बेसमेंट में रख के आ जाओ मैंने सुबह तकरीबन तो क्लिनिंग स्टार्ट की थी आ, टेन फिफ्टीन थे और अभी ट्वेल्व हो रहे हैं और अभी सिर्फ किचन ही साफ हुआ है ऊपर ऊपर -उप वाला किचन के बर्तन धुले हैं बर्तन अपनी अपनी जगहों पर गए हैं यानी वो कहते हैं ना कि जो ऊपर ऊपर के किचन के काम हुए अभी सफ़ाई होनी है किचन की फिर पूरा घर ऊपर से साफ़ होगा तो ये तकरीबन तकरीबन चार से पाँच घंटे स्ट्रेट अगर आप काम करते हैं ना तो ये आपकी क्लीनिंग के लग जाते हैं एक किसी भी पार्टी के बाद तो अभी मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग आओ और ये सारे काउचेज़ वगैरह क्लीन कर दो ये हम लोग करते हैं हम लोग वाइप्स ले, ले लेते हैं आ, जो भी अगर आपके पास लेदर वाइप्स हैं या जो भी आपके पास वाइप्स हैं उन वाइप्स के साथ ये हम लोग जरूर साफ़ करते हैं क्योंकि जब छोटे बच्चे आते हैं तो जब वो खाना खाते हैं तो उनके फिंगर प्रिंट है, उनके हैंड प्रिंट्स लग जाते हैं काउचेस पे तो लेदर पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं तो वो कहते हैं ना हम लोग एज अ टीम वर्क कर रहे थे मैंने कहा बच्चों मैं बाकी क्लीनिंग करती हूँ तुम लोग आओ और तुम लोग मुझे काउचेस क्लीन करके दे दो तो वो लोग कह रहे हैं जी काउचिज़ को क्लीन और मैं बाकी क्लिनिंग पे लगी हुई हूँ मैं आपको दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक फाइनल टच कैसे हो गया ऊपर के जो कवचेज़ हैं वो मैंने मिकाइल को बोला और जाना जो है वो चीज़ें वगैरह समेट रहा था ये बच्चियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं तो बस हम इसी तरीके से थोड़ा मेजॉरिटी काम तो मैं ही करती हूँ लेकिन बच्चों को भी थोड़े थोड़े काम में इन्वॉल्व करती हूँ क्योंकि मुझे एक तो ये भी होता ना कि आप देखें ये दोनों क्लीनिंग कर रही है ना तो मैं साथ साथ खड़ी होकर देख रही हूँ अच्छा ये सही क्लीन कर रही हैं काउस की कोई जगह रह तो नहीं गई चीज़ें साफ हैं प्रॉपर के नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है अब जिस तरह टेबल देखें अभी ये काफ़ी गंदा है अब हम ये सारे इसके मैट सटाएंगे फिर हम इसको क्लीन करेंगे फिर इसको पॉलिश करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा नज़र आना शुरू हो जाए तो अभी आप देख लें क्वार्टर टू वन हो गया अगर आपको क्लॉक नजर आ रहा होगा और अभी हम लोग डन नहीं हुए हैं सिर्फ नीचे के पोर्शन में ऊपर की क्लिनिंग अभी काफ़ी रह गई है अब मैं आपको दिखाती हूँ जी पूरा एक बज गया और हमारा काम हो गया डन मैंने वैक्यूम कर दिया मॉपिंग कर दिया आप घर देखें फिर से वो कहते हैं ना स्पॉटलेस हमारा घर हो गया साफ़ सुथरा क्लीन दावत के बाद का लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कल दावत हुई थी इतना साफ़ सुथरा माशाल्लाह घर मैंने कर दिया और थकन तो हो गई है लेकिन इतनी खुशी हो रही थी कि चलो जी सारे काम डन हो गए खाना इतना बच गया कि अगले दो दिन तो हम बाहर से खाना आ, हमें घर पर खाना बनाना नहीं पड़ेगा तो दो तीन दिन हम लोग को खाना पकाने की छुट्टी हो जाएगी और फिर खूब मैं रेस्ट करूँगी तो चले जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग मैंने कहा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा मेन्यू मेरी प्रेजेंटेशन आफ्टर क्लीनिंग ये सब कुछ आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो कल दोबारा आइएगा मेरे चैनल पे सेम टाइम पे सेम चैनल पर मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल मुझे रखिए कि आप अपनी दुआओं में याद टेके जी अल्लाह हाफिस